उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुंदरीकरण कार्य को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विस्तार की योजना को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने मेला कार्यालय में समस्त विभागों की एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उज्जैन नगर निगम के निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल, स्मार्ट सिटी के सीईओ जितेंद्र सिंह, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ सुजान सिंह रावत एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के दर्शन करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भी उन्हें कुछ फंड मुहैया करा रही है, जिससे वह महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण की योजना में उपयोग करेंगे। महाकाल मंदिर के चारों ओर हो रहे अतिक्रमण को भी खत्म करने के लिए जिला कलेक्टर ने नगर निगम को आदेश दिया कि वह स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करे। साथ ही उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जब बाहर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे तो उसे महाकाल मंदिर पहुंचने के बाद सुखद अनुभूति का आनंद हो, इस तरह के प्लान बनाकर धरातल पर लाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालु उज्जैन जब आए तो भगवान महाकाल के दर्शन ना करें, भगवान महाकाल से जुड़ी हुई चीजों को भी इस महाकाल मंदिर प्रांगण के आसपास निहार सके। इसी के लिए स्मार्ट सिटी को उन्होंने मंदिर प्रांगण के चारों ओर विकास योजना को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महाकाल मंदिर विकास योजना का हमारा जो प्रस्ताव है और जिसपे लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बीच में संतों के भी हमको कुछ फीडबैक्स मिले थे, जिनके आधार पर जो प्लान बन रहा है उसकी आज समीक्षा की गई है और उसका जो द्वितीय चरण है उसकी हमको शुरुआत करनी है, जिसमें कि 80 करोड़ रुपए जो एक फ्रांस की सरकार है वो भी हमको इसमें प्रदान कर रही है सहायता के रूप में। तो उसके लिए जो दूसरे चरण की प्लानिंग है, जिसमें हरी फाटक ब्रिज को जो है वो चौड़ा किया जाना है, सामने की रोड को चौड़ा किया जाना है और जो मंदिर के परिसर का जो विस्तार है, कुल मिलाकर जो हमारी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मंदिर का परिसर जितना बड़ा है, मंदिर का क्षेत्र जितना बड़ा है, कम से कम 10 गुना या 12 गुना हमारी करने की योजना है, जिससे कि मंदिर के परिसर का विस्तार एक तरफ महाकाल थाने से लगा के बेगमबाग की रोड तक हो जाएगा और सामने की तरफ अगर हम लोग थाने की तरफ जाएंगे तो 70 मीटर आगे की तरफ से लगा के रुद्रसागर को पार करते हुए रुद्रसागर के पीछे जो जमीन हमने एक्वायर करी वहां तक हो जाएगा। तो उस पूरे एरिया से हम लोग मंदिर के परिसर का विस्तार करें और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, चाहे विशेष अवसरों पर चाहे सामान्य अवसर पर, उनको सबको एक बहुत अच्छे तरीके से सहूलियत से दर्शन भी हो सके और दर्शन के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी जो है हम लोग उनको दिखा सके, जिससे कि वो यहाँ पर रुकें और रुक के रोजगार के दूसरे जो साधन हैं और यहाँ के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी किसी तरीके से लाभ पहुँचा सके। इस प्रकार की हमारी योजना है जिस पर हम लोग आगे काम करेंगे।